हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम टॉप 10 एमसीयू मूवी मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। और वैसे तो ये फोर्थ पार्ट है इस सीरीज का, तो इस वीडियो को देखने के बाद से हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करने वालों के पास 40 मिस्टेक्स होंगे एमसीयू से। अगर हम मार्वल आर्टिस्ट को एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए प्रेज करते हैं, तो उनके माइनर मिस्टेक्स के लिए पॉइंट आउट भी तो कर ही सकते हैं। तुम कमजोर दिल वाले जो कि मार्वल के अगेंस्ट एक वर्ड भी नहीं सुन सकते हैं, वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसे दिल पर लेके बुरा मान जाइएगा, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई बुक्स के जैसे वार्निंग एंड में नहीं बल्कि शुरू में देता हूँ, जो कि मैंने दे दिया है। आगे किसी को बुरा लगता है तो ये उनकी गलती होगी, ना कि हमारी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, फ्लैट अर्थ इन एमसीयू। सो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग तो सबको याद होगी ही, जिसकी एंडिंग ने पूरे एक साल तक मार्वल फैंस को तड़पाया था। वहीं पर हमें एमसीयू के अर्थ के बारे में एक खास बात पता चली, और वो ये थी कि एमसीयू का अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। यकीन नहीं आता तो आप ही बताइए कि जब थानोस ने वाकांडा में स्नैप किया तो वहाँ डे टाइम था, लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क जहाँ पे निक फ्यूरी और मारिया हिल थे, प्लस सैन फ्रांसिस्को जहाँ पे एंटमैन की पूरी टोली थी, सब जगह डे टाइम कैसे हो रहा था, जबकि वाकांडा सब सहारा के आसपास स्थित है, जिसके वजह से टाइम डिफरेंस काफी होना चाहिए था। या फिर एमसीयू में अर्थ राउंड है एंड ये बस एक मूवी मिस्टेक था, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। नंबर 9, थॉर इज द फास्टेस्ट मैन इन एमसीयू। सो गाइस, अगर ये चीज मूवी मिस्टेक्स में ना आए तो थॉर को फास्टेस्ट मैन इन एमसीयू का टैग लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही क्विक सिल्वर और ना ही मकारी। क्योंकि जो सीन की बात मैं करने वाला हूँ, उसको देखने के बाद तो आप क्विक सिल्वर को देखकर बोलिएगा कि क्या स्पिस्टर बनेगा रे तू। एज एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पियोत्रो अपने फुल स्पीड में दौड़ता है और इसके आसपास सारी चीजें हमें स्लो मोशन में दिखाई जा रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर ऊपर में अल्ट्रॉन के एक सेंट्री को मार रहा होता है। वहीं इसी सीन के कंटिन्यूएशन में आगे जाके पियोत्रो कैप्टन को पंच करता है और फिर लेफ्ट मुड़ के दौड़ने लगता है, बट सरप्राइज सरप्राइज थॉर सामने से म्योनिर फेंकता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, एज अभी अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले थॉर के नीचे से ही क्विक सिल्वर भाग के आया था, बट वो पलवर में वहां से यहां आ गए और आकर म्योनिर भी फेंक दिया। मतलब हुए ना एमसीयू के फास्टेस्ट मैन, या फिर ये भी एक मूवी मिस्टेक था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, सैलोन इन मार्क 50। सो गाइस, ये डिटेल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मार्क 50 का वो फीचर है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना ही किसी फैंडम में लिखा हुआ मिलेगा, और वो ये है कि मार्क 50 में एक सैलोन सिस्टम था, जिसके वजह से जहाँ टोनी जब थानोस से लड़ रहा होता है तो शुरुआत में उसकी जो मूछ रहती है वो बहुत ही ब्रॉडर रहती है, लेकिन अगले ही कुछ शॉट्स में हम देखते हैं कि उसकी जो मूछ रहती है वो फाइनली ट्रिम्ड शेप में नजर आ रही होती है। बट क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी बैक टू बैक दिखाई जाती है, तो ये असल में मार्क 50 में मौजूद सैलोन की वजह से नहीं बल्कि मूवी एरर था, क्योंकि रिशूट्स बार बार हुए थे। वैसे भी 2017 में आए जस्टिस लीग वाले सुपरमैन के मूछ एडिटिंग के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। नंबर 7, आईज ऑफ मैंटिस। मुझे मालूम है कि मैंटिस की आंखें बहुत ही अजीब है, और यहाँ पे सेलमोन वॉय की बात मानकर उसके आंखों में डूबना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट एमसीयू का एक सीन है जहाँ पर आप उसकी आंखों में डूब सकते हैं, और वो है तब जब वो कहती है कि हम दुश्मन की कह के लेते हैं। इस सीन में VFX डिपार्टमेंट वालों ने उसके आंखों में वो इफेक्ट डाला ही नहीं जो कि उन्हें डालना चाहिए था, जो कि हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है, जहां पर वो सबको डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर देखने के लिए बोलती है और पूछती है कि क्या ये नॉर्मल है। नंबर 6, थानोस मिडिल फिंगर। तो अभी पिछले पॉइंट में VFX डिपार्टमेंट की एक गलती को पॉइंट आउट किया, जो कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से थी, तो सोचा क्यों ना उसके नेक्स्ट पार्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी एक ऐसे VFX मिस्टेक निकाल दिया जाए, जो कि था उस वक्त जब थानोस यहाँ पे स्नैप करने वाला था, तब उसका मिडिल फिंगर ग्लिच खाकर यहाँ पे अंदर घुस जाता है, जिसका ध्यान भी VFX डिपार्टमेंट को देना चाहिए था। आफ्टर ऑल अवेंजर्स एंड गेम फेज 3 फिनाले की एंड मार्वल की मास्टरपीस में से एक है, राइट। नंबर 5, मिरर डायमेंशन मोर लाइक अ रियल डायमेंशन। तो अगर आपने मेरे पिछले 3 मूवी मिस्टेक्स वाले वीडियो देखे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि जब बैक टू बैक 2 मिस्टेक्स किसी मूवी या कैरेक्टर से हो तो मैं हैट्रिक लगा ही देता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए जो 2 मिस्टेक्स आए हैं वो VFX डिपार्टमेंट से आए हैं, तो सोचा क्यों ना तीसरा मिस्टेक भी वहीं से निकालूं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर यहाँ पर हम अवेंजर्स टावर को नोटिस कर सकते हैं, बट जब मिरर डायमेंशन में अमीरो वाला इंसेप्शन का खेल चालू हो जाता है, तब हमें यहाँ पे मेटलाइफ की बिल्डिंग दिखाई जाती है। अब जिनको नहीं मालूम है, मैं उनको बता दूं कि मेटलाइफ वो बिल्डिंग है जिसके जगह पे एमसीयू के अंदर एवेंजर्स टावर है, तो यहाँ पे एवेंजर्स टावर दिखना चाहिए था, ना कि मेटलाइफ की बिल्डिंग। नंबर 4,
द रियल रीजन व्हाई नताशा वाज क्राइंग। एवेंजर्स एंड गेम के शुरुआत में सब सदमे में थे, जो कि समझ में भी आता है, बट एक्चुअल रीजन कि क्यों हमारी नट्टो यहाँ पे रो रही थी वो ये था कि जिस पीनट बटर को नताशा यूज कर रही थी वो 2018 का लगता है, जबकि ये सीन 2023 में टेक प्लेस कर रहा था, विच इम्प्लाइज कि ये पीनट बटर एक्सपायर्ड था। मैंने कोशिश की क्लियर इसको दिखा सकूं, बट एज यू नो जूम इन करते इमेज फट जाता है। तो अगर आपके पास 1080p से ऊपर वाली कोई क्वालिटी है मूवी की तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको थोड़ा हेजी ही लगेगा, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि 2023 और 2018 में अंतर क्या होता है, क्योंकि इतनी समझ तो आपको होगी ही। नंबर 3, एवेंजर्स आर एट द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। वांडा विजन सीरीज में काफी मिला जुला रेस्पॉन्स मिला था फैंस की तरफ से, उसमें आप कह सकते हो कि पहला टाइम ट्रैवल हमें दिखाया गया एज वांडा के डैड जब यहाँ पे बक्सा खोलते हैं तो उसमें मार्कम इन द मिडिल का एक कैसेट रहता है जो कि 2000 में आई थी, जबकि ये सीन 1999 में टेक प्लेस कर रही है। जिस तरह पीटर क्विल की मॉम ने टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से कैसेट लाकर अपने बच्चे को दिया था, वैसे वांडा के डैड ने फ्यूचर जाकर ये शो को लाया और अपने बच्चों को दिखाया, या फिर ये बस एक मूवी मिस्टेक हो सकती है। नंबर 2, डिटेल और अ मिस्टेक। वेल, टाइटल के जैसे मैं भी कंफ्यूज था कि इसे डिटेल वाले वीडियो में डालूं या फिर मिस्टेक वाले वीडियो में, बट फिर सोचा कि अकेले क्यों कंफ्यूज होना, लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। सो गाइस, आयरन मैन 2 मूवी के अंदर यहां पे कोल्सन एक कार लेकर आता है और उसमें कोई भी कंपनी की मार्किंग नहीं रहती है। टू बी स्पेसिफिक, यहां एक्यूरा कंपनी का ए मार्किंग होना चाहिए था जो कि नहीं था, जिसको आप थॉर मूवी के सेम सीन में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन को एंड क्रेडिट में रखा जा रहा था और उस समय ऐसा ट्रेंड नहीं था कि सिनेमा हॉल के एंड तक में आदमी बैठता है एंड क्रेडिट के लिए, तो अकुरा को लगा होगा कि वहाँ पे उसकी कंपनी की अच्छी से प्रमोशन नहीं होगी, इसलिए उन लोगों ने उनको वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए पैसे नहीं दिए, तो मूवी वालों ने वहाँ से ए हटा दिया, जबकि थॉर मूवी के लिए उन्होंने पैसे दिए तो वहाँ पे वो ए रहने दिया, जिससे उनकी कंपनी की प्रमोशन हुई। नंबर 1, स्टॉर्म ब्रेकर और थानोस डबल एज स्वॉर्ड। तो एवेंजर्स एंड गेम में जब थानोस स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर के सीने में घुसेड़ रहा था, जो कि थॉर ने थानोस के साथ किया था लास्ट मूवी में, तो यहाँ पर कैप्टन म्योनिर से थानोस को मारते हैं, बट यहाँ पे मिस्टेक ये रहती है कि जब म्योनिर वापस जा रहा होता है तो थानोस के हाथ में वहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर नहीं बल्कि उसी का स्वॉर्ड रहता है। वैसे ये मिस्टेक मेरे ख्याल से कई लोगों ने नोटिस किया होगा, इसलिए मैंने एक बोनस मिस्टेक भी पॉइंट आउट करके रखा है, जो कि है नंबर 0, बियर फ्रॉम द फ्यूचर। स्पाइडरमैन होमकमिंग वो मूवी है जो कि ऑलरेडी 8 इयर्स का टाइटल कार्ड दिखाकर एमसीयू के टाइमलाइन का पाव भाजी बना चुकी है, जिसको केविन फाइगी ने खुद को बोला कि वो एक बहुत ही बड़ी मूवी मिस्टेक है। बट दैट्स नॉट ऑल, होमकमिंग के अंदर हमें यहाँ पे एक बियर का बोतल दिखाया जाता है जो कि कोर्स गोल्डन बैंक्वेट बियर रहता है, जो कि उस वक्त एग्जिस्टेंस में तो था, बट ये जो मॉडल यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये 2013 में निकला था, जबकि ये सीन एवेंजर्स के इवेंट के दौरान टेक प्लेस कर रही है, जो कि 2011 में टेक प्लेस कर रहा था। सो गाइस, ये थे 10+1 मूवी मिस्टेक्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। आपको इनमें से कितने मालूम थे और आपको आज कितना पता चले, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बुरा लगा हो तो खुद तक ही रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी आपको हमारे चैनल का मोटो तो मालूम है ही, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।